मैक्सिमम पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरा बच्चा बैठता ही नहीं है बहुत हाइपर एक्टिव है कांस्टेंट मूवमेंट या मोशन चाहिए उसको और सबसे बड़ा टास्क होमवर्क या स्कूल वर्क कराना मतलब वो वर्क uh, के टाइम पे होमवर्क के टाइम पे बिल्कुल सिटिंग नहीं है और जैसे ही नोटबुक्स होंगी उसका टेंट्रम शुरू हो जाएगा और वो भागना इधर उधर और वो सब शुरू हो जाएगा एंड वो सबसे ज्यादा मेरे लिए इशू uh, है क्योंकि होमवर्क कराना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है क्या वो रीजन है जिसके वजह से ये बिहेवियर आता है तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल रीजन इस केस में जब भी अगर बच्चे का कुछ ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल अटेंशन पे नहीं कर रहा है बच्चा कांस्टेंट मूवमेंट है और होमवर्क में बिल्कुल ध्यान नहीं है तो इन चार रीजंस की पॉसिबिलिटी है So, सबसे नंबर वन इज कि बच्चे का नर्वस सिस्टम अंडर डेवलप्ड है ठीक है बच्चे का नर्वस नर्वस सिस्टम जो है अंडर डेवलप्ड है और या फिर रिटेन रिफ्लेक्सेस है अब इस केस में क्या होगा बच्चे को अपनी बॉडी अवेयरनेस नहीं होगी तो नंबर वन पॉसिबिलिटी इज बच्चे की बॉडी अवेयरनेस कि मेरी बॉडी इन स्पेस कहां है कैसे वो मूव कर रही है इन रिलेशन तो वो उसका अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से बच्चे की सिटिंग नहीं आ रही है वो ऐसा क्यों है अब बच्चा जब बैठा है ही नीड दैट मूवमेंट उसको वो बॉडी की नीड है कि उसको वो फीडबैक चाहिए अपने जॉइंट्स और मसल्स को के थ्रू ताकि वो फील कर पाए यस yes, मेरा बॉडी यहां इस तरह से मूव कर रहा है एंड आई एम फीलिंग है ठीक है तो मेनली अगर हम लोग बात करें जैसे ही बच्चे को वो अवेयरनेस बॉडी अवेयरनेस नहीं है जस्ट टू फील सेल्स जस्ट टू फील देयर बॉडी वो प्रेशर वो ज्वाइंट पे प्रेशर उसको चाहिए तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो दिस इज मेनली प्रोप्रियोसेप्टिव इशू ठीक है तो इस वजह से उनको बैठने में इशू है बिकॉज जैसे ही वो बैठेंगे दे कांट अंडरस्टैंड देयर ओन बॉडी तो उनको वो प्रेशर चाहिए उनको वो मूवमेंट चाहिए ठीक है तो दिस इज बॉडी अवेयरनेस इशू और वो क्यों है अंडर डेवेलप्ड नर्वस सिस्टम एंड रिटेन रिफ्लेक्सेस की वजह से है ठीक है तो नंबर वन इज बॉडी अवेयरनेस इशू एंड दैट इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव नीड ठीक है द सेकेंड पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल रीजन इज विजुअल मोटर ट्रबल Visual motor, कि बच्चे का आईसाइट एकदम ठीक है मतलब उसको चश्मे की जरूरत नहीं है आप आ, मतलब आईसाइट इज फाइन बट द प्रॉब्लम इज जो दोनों आईज हैं या तो उनका आपस में सिंक नहीं है आ, आईज आप देखेंगे कि या तो बार बार कॉर्नर में ड्रॉप हो जाती हैं या फिर जब वो ट्रैक करते हैं चीजों को तो वो बीच में लॉस्ट हो जाते हैं दे कांट ट्रैक एनीथिंग और या फिर आईज uh, का कोऑर्डिनेशन अलग अलग है ये साइज से वो अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं इस साइज में या फिर स्क्वेंटनेस है हल्का सा तो विजुअल मोटर इशू है ओक्यूलर मोटर इशू है जिसकी वजह से बच्चे को ट्रैकिंग में इशू आएगी बाइनोकुलर फोकस में इशू आएगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब उनको ब्लरी विजन या डबल विजन रहेंगे जिसकी वजह से जैसे ही वो रीडिंग एंड राइटिंग का uh, चीजें आप लेकर आएंगे वट विल हैपन दे कांट रीड इट क्योंकि उनको डबल या ब्लरी विजन है या फिर वो चीजों का ट्रैक भूल जाते हैं या फिर वो आ, नहीं रीड कर पा रहे हैं से स्टार्ट किया राइट तक उनको गायब हो गया तो वो नहीं कर पाएंगे वो अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे एंड समटाइम्स बच्चे जो हैं जब वो रीडिंग एंड राइटिंग आप करा रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी हेडेक्स होंगे और वो कंप्लेन करेंगे मेरा सर दुख रहा है आई कांट रीड इट तो दिस इज नॉट बिकॉज वो बिहेवियर वो बहाना मार रहे हैं बहाना लगा रहे हैं इट बिकॉज दे है तो हमें उसके लिए भी चेक करना है। है, uh, कई बार क्या होता हम लोग बोलते हैं रीड नहीं कर पा रहा है, बच्चे को लिखने में इश्यू है दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी ठीक है अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दिस इज पुअर न्यूट्रिशन या फिर गट एंड न्यूट्रिशन कि हम बच्चे की अगर बात करें गट ब्रेन uh, हम लोग बात करें अः गट इज सेकेंड ब्रेन हेल्दी गट लीड्स टू हेल्दी ब्रेन अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है तो व्हाट विल हैपन कि uh, बच्चे का ब्रेन भी uh, सही से फंक्शन नहीं करेगा तो उनका जो है अटेंशन फोकस uh, जो है वो कम रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग इश्यूज आएंगे और बच्चे में हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जब भी कुछ ऐसा इश्यू आता है चेक फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ की हमें गट हेल्थ पे काम करना है जब गट में इंफ्लेमेशन होगी इनडाइजेशन के इश्यूज होंगे ज्यादा बच्चे को हम शुगरी एंड प्रोसेस फूड आर्टिफिशियल फ्लेवर आर्टिफिशियल इंग्रीडियंट्स पे ज्यादा रखेंगे रादर दैन नेचुरल थिंग्स तो वट विल हैपन की बच्चे का गट इनफ्लमेशन होगा गट इन्फ्लेमेशन uh, होगा तो ब्रेन में इंफ्लेमेशन होगा बच्चे में स्ट्रेस एंड एंगजाइटी आएगी और बच्चे का अटेंशन कम होगा तो आपको गट हेल्थ पे जरूर फोकस करना है एक हेल्दी डाइट एंड एक प्रॉपर डाइट रूटीन पे बच्चे को रखना है अगर आप बच्चे की अटेंशन uh, फोकस चाहते हैं और हाइपर एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं ठीक है द फोर्थ एंड इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी इज अंडर डेवलप्ड वेस्टिबुलर सिस्टम प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हमने बात किया बॉडी अवेयरनेस बच्चे को नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बच्चे का सिस्टम डेवलप नहीं है और रिटेन रिफ्लेक्सेस हैं तो प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यू है नाउ द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज अंडर डेवलप्ड वेस्टिबुलर सिस्टम वेस्टिबुलेटर वेस्टिबुलर सिस्टम एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम इज व्हाट कि आपकी बॉडी अवेयरनेस कि अगर मुझे खाना खाना है विदाउट वॉचिंग आई कैन मूव माई हैंड टूवर्ड्स माई माउथ कि मैं अपना हाथ अपने मुंह की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर आ पाऊं बॉडी अवेयरनेस मुझे पता है मेरा मुंह कहां है मेरे हाथ को कैसे मूव करना है मुझे ठीक है तो मुझे खुद की बॉडी का पता है वेस्टिबुलर सिस्टम इज वॉट की बॉडी मेरी ये जो बॉडी है इन रिलेशन टू आउटर स्पेस उसको कैसे मूव करना है तो दिस इज बेसिकली मूवमेंट एंड मोशन नीड ठीक है वेस्टिबुलर सेंस कि मुझे अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जंप करना है हाउ विल आई मैनेज माई बॉडी टू जम्प ऑन दैट स्पेस ठीक है और फिर जंप करने के बाद वेस्टिबुलर सेंस का मेन पर्पज क्या होता है आई कैन स्टैंड अपराइट मैं सीधा खड़ा हो पाऊं या खड़ी हो पाऊं और अपने हेड को स्टेबल रख पाऊं तो हमारा वेस्टिबुलर सेंस सही है ठीक है जंप करके अगर बच्चा गिर रहा है बच्चे का हेड में स्टेबिलिटी नहीं है बच्चा लुड़क फुड़क गया दैट मीन वेस्टिबुलर सिस्टम इज नॉट स्ट्रॉन्ग ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर वेस्टिबुलर सिस्टम गोइंग मूवमेंट जब भी कोई मूवमेंट है रोल ओवर किया अपने स्लाइड से ऊपर आए कैसे भी कुछ भी मूवमेंट है तो आप अपनी बॉडी को इन रिलेशन टू स्पेस एकदम सही बैलेंस करके खड़े हो पाए ठीक है दिस इज वेस्टिबुलर सिस्टम अगर वेस्टिबुलर सिस्टम में गड़बड़ है तो ब्रेन मूवमेंट को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से बच्चे को क्रेविंग होगी ज्यादा मूवमेंट की ताकि वो आ, उस आ, मतलब जो motion है उसका sense कर, मतलब sense develop कर पाए उसको अंडरस्टैंड कर पाए दे क्रेव फॉर मोर एंड मोर एंड मोर अगर उसका वेस्टिबुलर सिस्टम वीक है तो जिसकी वजह से वो कांस्टेंट मोशन में रहेंगे और वो बैठेंगे नहीं ठीक है तो वेजटिबुलर सिस्टम में इश्यू है अंडर डेवलप्ड है तो भी बच्चे की सिटिंग नहीं आती है और बच्चे का अटेंशन फोकस कम होता है बच्चा होमवर्क में जो है नहीं बैठता है तो दीज आर मेन फोर न्यूरोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज तो हमने कवर किया इसमें वेजटिबुलर सिस्टम प्रोपरिसप्टिव सिस्टम गट एंड एंड नेक्स्ट इज विजुअल मोटर ठीक है तो अब हाइपर एक्टिविटी बिकॉज ये सारा सीन कब होता है बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी अगर बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं और बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है एडीएचडी डायग्नोस हुआ है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टेप्स टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी एक अलग से सेपरेट फोल्डर है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी है सभी एक्टिविटीज करनी है जिससे बच्चे का सिटिंग आए अटेंशन बढ़े और वो पे फोकस कर पाए तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू अगर बच्चे को डेवलपमेंटल डिले हैं और एडीएचडी है तो प्लीज वो जाकर फोल्डर जरूर देखिएगा अगर बच्चे का सिर्फ सिटिंग एंड सिटिंग का इश्यू है और होमवर्क में uh, उसका मन नहीं लग रहा है तो इन चारों पॉसिबिलिटीज पे प्लीज आप चेक कीजिएगा थैंक यू सो मच